और ओके तो टेक टॉक ठीक है शुरू करते हैं. ओके सो आई लाइक टू बी समवन जो कि पोएट्री के थ्रू शायद आपको दुनिया दिखाए, बिकॉज आई फील वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड. और एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, और ये मेरे साथ यूजुअली लोग क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या फिर हाउ टू गेट रिड ऑफ स्टेज फियर फॉर दैट मैटर. तो व्हेन आई वाज इन यूकेजी स्टैंडर्ड, और ये बहुत मैं मम्मी अभी भी उस पर हंसती है, तो एनुअल फंक्शन डे होता स्कूल में. आई फील एनुअल फंक्शन ना बचपन में इसीलिए होते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारी ना गंदी गंदी फोटो खींच के रखें और बाद में दिखाएं, और अच्छी नहीं मतलब गंदी फोटो खींचेंगे वो. और हम लोग आज के जमाने में फिर भी अच्छे कैमराज हैं, हम लोग वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले, मतलब आई एम 21 बट देन फिर भी वो वही होता है. तो मेरे को ऑब्वियसली पंजाबी हूँ, दलेर मेहंदी बना दी. हाँ मतलब आई फील हमारी जनरेशन ने सिर्फ दलेर मेहंदी दिया है, ऑब्वियसली मनमोहन सिंह भी दिया बट और एक और चीज दी है NRIs कनाडा जाने वाले, कनाडा नहीं कनाडा नाम चेंज करके जा रहे, बताओ वहां जाके एकदम निर्वाण अचीव कर लिया. तो दलेर मेहंदी बन गए. अब एक यूकेजी का बच्चा उसको जेन्युइनली नहीं पता कि दलेर मेहंदी कौन है क्या करते हैं, उसको शिनचैन देखना है यार, ऑस्मंड देखना, उसको दलेर मेहंदी बना दिया. हम भी बन गए ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलेंगे, वो भी किसी के मांगे हुए अपने नहीं, चले गए बनते. मम्मी ने सिर्फ इतना बोला वहां जाके बल्ले बल्ले बोलना बस, दैट्स इट, दो वर्ड बल्ले बल्ले, दैट्स इट. मतलब बल्ले बल्ले की स्पेलिंग है BALLE, और मैंने जो स्कूल में अभी तक सीखा था वो डबल लेटर देखता यूज ही नहीं कर रहे थे हम लोग, ये तो कंफ्यूजन था मेरे लिए. ठीक है भैया चढ़ गए. अब ना चक्कर ये होता है ना कि आज की जनरेशन मतलब अभी आपकी नो मैटर क्या एज है, जब आप वहां से यहाँ पे आते हो ना तो इस दौरान ना बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले सब एक हो जाते हैं. जेन्युइनली मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको. तो हो गया, अभी यूकेजी का बच्चा था तो हो गया. अब एनुअल फंक्शन है, मम्मी मस्त एकदम बैठी है, अभी बल्ले बल्ले बोलेगा और मेरा नाम अनाउंस करा, मैं आया स्टेज पे और पब्लिक भी आपकी तरह मजे ले रही है, छोटा सा बच्चा दलेर मेहंदी बन के आया, हंसो इस पे. ना गया और मैं गया भूल, मैं भूल गया, मतलब वो दो वर्ड ही थे लेकिन मैं सच्ची में भूल गया. अब बेइज्जती की तो बात है, तो अब ना यहाँ पे ना बच्चे की इनोसेंस देखो, जब बच्चा वहां पर भूल गया ना तो वो क्या देख रहा है. मैं 500,000 में अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, ऐसे ऐसे देख रहा था, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, सच में ऐसा हुआ है. और फिर मेरे को थैंकफुली मम्मी दिखी. अब ना ये बच्चे की इनोसेंस है कि उसने माइक पे मम्मी से पूछ लिया, मम्मी क्या बोलूं. मैंने पूछ लिया मम्मी मम्मी क्या बोलूं. अब ना बच्चे की इनोसेंस है कि बच्चे ने माइक पे पूछ लिया, बड़े लोगों का क्या, उनके पास इनोसेंस नहीं होती ना, दुनिया देखी उन्होंने, मम्मी का रिएक्शन हुआ था बेड़ा कर, ये मेरा बच्चा नहीं है. तो ना मेरे साथ ये ना बहुत अर्ली एज में हो गया था, तो मेरे को अपने डर नहीं लगता स्टेज पे आने से. और ना ये लेसन ना आप लोग सब लेके जाना कि जब आप स्टेज पे होते हो ना यही चांस होता है हीरो बनने का, क्योंकि सब आपको देख रहे हैं, वो या तो आप पे हंसेंगे या आपको इग्नोर करके अपने फोन में लग जाएंगे या फिर ऐसे हाथ करके ताली की बजाएंगे. यहाँ पे काफी लोग रिलेट कर रहे हैं स्पीच पे. और मेरे को हमेशा लगता है कोई भी टॉक देने से पहले अपने बेसिक ग्राउंड रूट्स पे जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं उस स्कूल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिग शाउट आउट टू आरएन पब्लिक स्कूल, जिन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन का फाउंडेशन लेआउट करा, और मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को जबरदस्ती धक्का मार मार के स्टेज पे बोला कि तू जा बोलेगा न्यूज पढ़ जाके, वही होते ना किसी भी न्यूज पढ़नी होती है हमें. और मैं वहां पे बैठे बैठे ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि टेडेक्स ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेडेक्स एंड पॉलिटिक्स आर टोटली ऑपोजिट. आई टेल यू व्हाई, टेडेक्स इज समथिंग आप पहले करो और फिर आके बताओ,
पॉलिटिक्स इज समथिंग आप बताओ, करने की तो बात ही नहीं है, वो देखेंगे बाद में, देखेंगे करना है कि नहीं, पहले अपनी जेब भर लो, पहले बता दो दुनिया को हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में देखते हैं अपन क्या करना है। तो ये बेसिकली था मेरा। और कई लोग पूछते हैं राइटर से कि मतलब क्या है भाई लाइफ में, कुछ दिक्कत है, कोई छोड़ के चला गया? तो आई पर्सनली फील कि राइटिंग यहाँ से नहीं होती, यहाँ से होती है। अगर आप में से कोई है जो कि राइटिंग फील्ड में करियर परस्यू करना चाहता है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। और मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आज के टाइम में द वर्ड वायरल उसने इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस ले लिया है ना, कि हम सबको वायरल होना है, सबको वायरल होना है सबको, पर किसी को अच्छा नहीं होना। मतलब आज के टाइम में वायरल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रादर देन डूइंग अ गुड वर्क। तो हमें हमेशा बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है हर वायरल कॉन्टेंट अच्छा हो, और जरूरी नहीं कि हर अच्छा कॉन्टेंट भी वायरल हो। तो लेकिन हमें हमेशा अच्छे पे काम करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने दो पोइट्री सुनाऊंगा, और एक तो आप ही के बीच की होगी जो कि बचपन और स्कूल लाइफ के ऊपर होगी, और एक मेरी कहानी होगी। तो पहले मेरी कहानी पे बात करते हैं। ऑब्वियसली टेडएक्स एवरीथिंग बिगिन विद एन आइडिया। तो कुछ चीजें होती है ना वो लोगों की किस्मत बनाती है, और जिंदगी की चुनौतियां हम सबको आजमाती है। फैसला होता है हमारा कि उनसे डरना है, डर के बैठ जाना है, या फिर जीत के ऊपर उठ के आना है, हार से मायूस होना है या फिर जीत जाना है। हार से मायूस होकर और जीत के साथ यादें सुहानी होती हैं, लेकिन हर हार और हर एक जीत के पीछे एक कहानी होती है। और जरूरी नहीं हर कहानी के साथ एक कहानी जुड़ी हो, जरूरी नहीं कि हर कहानी के साथ एक कहानी जुड़ी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर कहानी के साथ एक याद सुहानी जुड़ी हो। जन्म लेते हैं हम अंत का इंतजार करते हुए, किससे बनते हैं कहानियों से शुक्रगुजार करते हुए। और ये जो कहानियां होती है ना जो आप सब सुनते हैं, ये कहानियां ऐसे ही नहीं बनती, सिर्फ दिल और परमानों से, दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी रखनी पड़ती है अपने दिल के अरमानों से। हर मेरा मानना है कि हर चीज को करने का एक कायदा होना चाहिए, और जब आप वो चीज करो तो आपको उससे भरपूर फायदा होना चाहिए। और यूं ही नहीं कोई आ जाता टेडेक के एक मंच पर, यहाँ आने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया, मेरा आइडिया था कि सबका अपना फिगूर, खुद का अपना स्टाइल होना चाहिए, और हर इंसान को खुद में ही वर्सेटाइल होना चाहिए। आप बोलोगे वर्सेटाइल सीरियसली वर्सेटाइल आइडिया, मैं बताता हूँ क्यों। वर्सेटाइल इसलिए कि अगर आपको कोई गाना गाने को कहे तो आप बेसुरी की आवाज में एक सुरीला सा गाना गा दो, और जब जाओ खेल के मैदान में तो वहां जाकर भी तुम मांग लगा दो। जब चढ़ो कविता वाले मंच पर तो तुम्हारे लिए तालियां बजती रहे, और जब घर वाले शादी की बात करें ना तुम्हारे, दुल्हने स्वयंवर हो तुम्हारा, दुल्हने तजती रहे। और मेरा मानना है कि हम सभी की जीवन का एक मकसद होता है, और जो मकसद को हासिल कर लेता है ना वही जिंदगी में असली स्टार्ट होता है। तो मेरा मकसद था कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। मैं मनराज सिंह, उम्र 21 साल, अपने घर वालों का, मम्मी पापा का इकलौता बच्चा हूँ। अभी तो आप मुझे बहुत समझदार समझ रहे होंगे, लेकिन उनके लिए मैं अभी भी अगर थोड़ा कच्चा हूँ। मेरे केस में सब कुछ एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा लाड, एक्स्ट्रा प्यार, और नहीं पड़ी मुझे कभी भी किसी से मार। और ये सब एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, तो घर वालों को पता था कि यही अकेला है, तो इसी के ऊपर बेशुमार मोहब्बत जुटाई जाए, इसी के चेहरे पर एकदम सच्ची वाली मुस्कान लाई जाए। तो जब आप होता है ना कि जब आप अकेले हो तो आपको पता है कि जो भी करना है आप ही को करना है, खूब नाम कमाना है और मेहनत का पसीना पीना है, अपने लिए ना नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए जीना है। तो मेरे साथ भी एक्स्ट्रा ही था। तो स्टार्टिंग से ही सब चीज में आगे रहने की कोशिश की है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर हो खेल कूद। और क्योंकि मैं लड़का हूँ ना और अकेला भी, इसलिए कभी लड़की कभी कभी खले ना मम्मी को, इसलिए सीख लिया था मैंने बनाना टेस्टी टेस्टी फूड, चाहे वो संगीत हो या फिर कविता वाला मंच हो, वो समाज की एक पहल या फिर बास्केटबॉल वाला डंक हो। और अब मैं लिखता हूँ तो लोग मुझसे अक्सर रोक कर पूछते हैं कि राइटर हो, लेखक भी, अरे ये शायरी कैसे लिखते हो, देखो आईने में देखो, कोई छोड़ के गया है क्या तुम्हें, इतने मायूस दिखते हो। और कोई कहता है कि
चांद कहता है अपनी महबूबा को, ये शख्स कितना झूठा होगा। इसका दिल एक दो बार नहीं, कम से कम 10-12 बार टूटा होगा। और मैं भी कह देता हूं कि जरूरी नहीं कि हर लेखक के दिल में मोहब्बत के किस्से गड़े हैं, जरूरी नहीं कि हर लेखक के दिल में मोहब्बत के किस्से गड़े हैं। हम कागज कलम और एहसासों से प्यार करते हैं, शायद इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। और चाहे आपको लाइफ में कुछ भी करना है, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका हाथ हमेशा थामना होता है। और कुछ इस तरह ही हमारा हमारी जिंदगी से सामना होता है। और इस कहानी को खत्म करते करते यही कहूंगा कि जब से हम अपने ख्यालों को लिखने लगे हैं, हम भी दुनिया में कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं। तो ये था मेरा पार्ट। अब मैं आपके पार्ट की बात करता हूँ, क्योंकि स्कूल में आए हैं, बचपन की बात ना करें, स्कूल लाइफ की बात ना करें तो ये शायद ही अधूरा रह जाएगा। तो मैं यूजुअली बताता नहीं है कहानी सुनाने से पहले बचपन की बात, लेकिन मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। और इसमें ना बचपन जी लेना अच्छे से, सच्ची में 2-3 मिनट की कहानी है, तो शुरू करते हैं। कि आज मैं आप सबके लिए कुछ तो लाया जरूर हूँ, इस बारे में बात करने के लिए आज मैं बहुत मजबूर हूँ। जो मैं सुनाऊंगा आज वो तुम्हारा भी तो किस्सा है, एक यही तो है जो खुदा का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम भूल गए हैं उसे, वो हमसे बहुत नाराज है, उसकी यादें दबी हैं दिल में हमारे, और वो कहीं तो आबाद है। कल रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, उस सपने में कोई अपना नहीं लेकिन फिर भी एक अपना है। कहा उसने मुझसे कि तुम भूल गए हो मुझे, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, तुम्हारी दौड़ भरी जिंदगी का सुकून सा सहारा ही तो हूँ। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन, तुम भूल गए हो मुझे, ऐसी एक फरियाद आई है मुझे आज फिर से, मेरे बचपन की याद आई है। वो बचपन के दिन न जाने कितने याद आते हैं, चलो मिलकर कुछ देर के लिए सही हम दोबारा बचपन में जाते हैं। कैसे रईसों की तरह हम नानी माँ की गोद में सोते थे, पापा की डांट सुनकर हम माँ की गोदी में चुप चुप के रोते थे, और कुछ डरावने बाबाओं के किस्से भी तो थे, सब हमारे ही बचपन के हिस्से ही तो थे। गुल्लक करती रहती थी हमेशा हमारी खन खन, और नहीं रहती थी हमें ज्यादा किसी से कभी भी कोई भी अनबन। वो दिन जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी माँ के घर को जाना होता था, और अगले दिन स्कूल न जाने का हमारे पास एक रोज नया बहाना होता था। बारिश होने पर बने तालाब में कागज की कश्तियां चलाते थे, फिर तेज हवा चल जाने पर हम पतंग ऊंची उड़ाते थे। स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों को सजाया करते थे, और शाम को माँ की डांट सुनकर ही हम खेल छोड़ कर आया करते थे। और झूठ मूठ के खेलों को हमने बचपन में कितनी सच्चाई से खेला था, जब हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन लंदन नहीं बल्कि हमारे शहर में लगने वाला मेला था। ना फोन था ना इंटरनेट था, ऐसा वो फताना था, बचपन तो अपने आप में ही एक खूबसूरत जमाना था। छुपन छुपाई के खेल से लेकर, घर घर में दिलों के मेल से लेकर, खिलौने की तेल से लेकर, चोर पुलिस की जेल से लेकर, बहुत कुछ पीछे छूट गया, आंख खुली और मेरा सपना आज फिर से अधूरा छूट गया। उम्र छोटी थी लेकिन हम सपने बड़े देखते थे, हम हर शख्स में हमेशा अपने ही तो देखते थे। कुछ लोग आकर जिंदगी से चले गए तो कुछ लोगों को जिंदगी से हमने निकाला है। जिंदगी के आखिर में हमने न जाने कितने सांपों को पाला है, बहुत खुश होकर हमने जिंदगी का ये पल भी खाया है। कभी कभी थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में भी बचपन आया है। और जब भी बचपन की बात करते हैं ना तो एक फरियाद आती है, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना तो स्कूल की बहुत याद आती है। कहते वो दिन थे, कहता था वो प्यार, जब 6 दिन इंतजार करने के बाद आता था इतवार। सपने होते थे हमारे इतवार को भी सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाएंगे, या फिर हो गई किसी दोस्त की किसी से लड़ाई तो उस लड़के को पेल लेता है। और स्कूल तो हमें रोज ही आना होता है, वो पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी क्रश को देखने का बहाना होता है। और कभी खुद की तो कभी दोस्तों की क्रश पर एक ट्राई तो बनता है। और जो बच्चा क्लास में होमवर्क करके आता है ना, वही असल जिंदगी में गली बॉय बनता है। और न जाने क्या हुआ, ये कैसा अफसोस है, हमेशा भाव भी उसी को मिलता है जो दिखता है एकदम थानोस है। मैं कहता हूँ कि अगर स्कूल में हो तो इन लम्हों को तुम जी लो, जाम दोस्ती का तुम यारों संग बैठ कर पी लो, क्योंकि एक बार यहाँ से पास आउट होगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब कहीं ऑफिस में बैठ कर कंप्यूटर पे फेसबुक पे अपने दोस्त को देखोगे हनीमून की फोटोज के साथ, तो ये वक्त बहुत याद आएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चीज जितनी पास है उतनी दूर होनी चाहिए, जो चीज जितनी पास है उतनी दूर होनी चाहिए,
चाहे व्हील चेयर पर गुड़ रहे बुढ़ापा तुम्हारा, लेकिन जवानी मशहूर होनी चाहिए।